वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए कैसे आप एक आसान वशीकरण कर सकते हैं अपने ही नाखूनों से। जी हाँ, अगर आपके नाखून से आपको वशीकरण विधि का पता चले तो क्या आप उसे करना चाहेंगे? बेहद आसान उपाय है जिससे आपके वश में होगी आपकी प्रेमिका। अगर आपकी प्रेमिका आपके वश में नहीं है, आपका कहा नहीं मानती है, तो ये वीडियो है उन्हीं प्रेमियों के लिए जो प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका हर बात सुने और जो भी वो करवाना चाहते हैं उनकी प्रेमिका उनके लिए वो खुशी खुशी करे। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा ही आसान सा उपाय। उसके लिए आपको करना क्या है कि अपने खुद के नाखूनों को काट लेना है। अपने नाखूनों को काट कर एक जगह पर इकट्ठा कर लें। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे स्किप ना करें। पूरे वीडियो को जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये विधि कितनी आसान है और आप इसका उपयोग करके 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी प्रेमिका को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए अपने नाखून। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सैंपल के लिए थोड़े से नाखून काट के रखे हुए हैं। इस तरह से आप नाखूनों को अपने पहले काट कर और उसके बाद उन्हें रख लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जी ये देखिए मैंने नाखूनों को इस तरह से काट लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखिए भक्तों। एक मंत्र होगा जो आपको करना होगा। मंत्र है ये, ओम कामदेवाय अमुकम वशम कुरु 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 स्वाहा। ये मंत्र आपको एक कागज पर लिख लेना होगा। इस तरह से एक कागज पर इस मंत्र को अच्छे से लिख लीजिए, देख लीजिए इसे अच्छे से। ओम कामदेवाय, यहाँ पर जगह छोड़ी है मैंने, वशम कुरु स्वाहा, और नीचे एक स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। दोस्तों इसमें एक बात जो आपको खास तौर पर याद रखनी है वो ये कि आपको लाल पेन की मदद से इसे लिखना है। लाल पेन की मदद से इसे जब आप लिख लेंगे उसके बाद इसे आप अपने उल्टे हाथ में रख दीजिए और वो जो मैंने आपको नाखून बताए थे, वो नाखून जितने भी नाखून आपने काटे हुए हैं, नाखूनों को इस तरह से आप इस पे डाल दीजिए। अगली चीज जो हम इसमें डालने वाले हैं वो है हल्दी। जी हाँ, आपको थोड़ी सी हल्दी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप इसमें नाखून डालें उसके बाद आपको मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र के उच्चारण से पहले आपको एक और काम करना होगा। आप जिस भी महिला को, आप अपनी प्रेमिका को अगर अपने वश में करना चाहते हैं तो आप उसका नाम लिख लीजिए। नाम लिखने का मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जैसे लाल पेन से इस मंत्र को लिखा है उसी तरह से आप उस लड़की का नाम यहाँ पर लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लड़की का नाम सीमा लिख देती हूँ। अगर मान लीजिए मुझे सीमा को वश में करना है, आप जिस भी लड़की को अपने वश में करना चाहते हैं उस लड़की का नाम इस तरह से यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसके बाद ये आप जैसे कि देख सकते हैं ये सब नाखून यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे नाखून जो हैं ये बीच में रख दीजिए और इसके बाद इस पूरे पर्चे को अपने लेफ्ट हैंड में रखकर जहां पर नाम लिखा है लड़की का वहां पर आपको नाखून इस तरह से रख देना है। और अब आप क्या करेंगे, आप एक जगह पर एक छोटे कागज में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। इस तरह से हल्दी ले लीजिए आप। और अगली चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वो आप हल्दी का इस्तेमाल करके इस मंत्र को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आइए अब मैं आपको उसका पूरा तरीका बताती हूँ, विधि क्या है। ये मंत्र हमने कागज पे इस तरह से लिख लिया है। आपको ये उपाय करना है शुक्रवार की रात्रि को। शुक्रवार की रात्रि को 10 से 12 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए, शुद्ध कपड़े पहन लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विचारों के साथ। आपको ध्यान रखना है किसी भी तरह का कोई गलत विचार आपके मन में ना आए। अब आप पूरब की तरफ मुख करके बैठ जाइए। अपने हाथ में, उल्टे हाथ में ये पर्चा और उस पर ये मंत्र लिखा हुआ है, आपके नाखून इसके ऊपर ऐसे रखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी को ऐसे दो उंगलियों से आपको उठाना है। अपनी अनामिका उंगली को इस्तेमाल कीजिए और अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके आप हल्दी की चुटकी उठाते जाइए। इस तरह से हल्दी की चुटकी बनाइए और उसके बाद जहां पर आपने लड़की का नाम लिखा है उस जगह पर आपको इस तरह से डाल देना है। यानी कि आपको इस मंत्र का जो उच्चारण है वो करीब 55 बार करना है। जी हाँ, बहुत ज्यादा बार नहीं करना है, 55 बार। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे 55 बार आपको इसी तरह से चुटकी बनानी है और हल्दी को जहां पर लड़की का नाम था वहां पर डाल देना है। मंत्र पढ़ते जाइए, ओम कामदेवाय सीमा वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को करते जाइए और उसके बाद
55 बार जब आप इस मंत्र को कर चुके होंगे तो हल्दी को यहां से आपको हटा देना है और उसके बाद इसको आपको रख देना है अपने सामने इस तरह से जमीन पर। जमीन पर आप इस मंत्र को रख दीजिए अपने सामने और उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण 11 बार और करना है। 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, 11 बार जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर लेंगे उसके बाद इस पुड़िया को यानी कि इस कागज को आपको इस तरह से मोड़ना है और इसकी एक छोटी सी पुड़िया बना लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी इस तरह से एक पुड़िया बना ली है। अब इस पर आपको, ये पुड़िया बनाने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। जब आप इस कागज को इस तरह से मोड़ लेंगे उसके बाद आपको इस कागज को घर के बाहर ले जाना है। आपके घर के बाहर कोई भी मिट्टी वाली जगह हो, नीम का पेड़ अगर आपको मिले तो बहुत अच्छा है, नीम का पेड़ नहीं मिलता है तो पीपल का पेड़ ढूंढिए, अगर पीपल का पेड़ मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। नीम या पीपल में से कोई भी एक पेड़ अगर आपके घर के आसपास में है वहां पर जाना है आपको और इसे आपको वहां पर मिट्टी खोदकर वहां पर इसको दबा देना है और उसके बाद आपको वहां से चुपचाप चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस तरह से आपका ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में काम करता है। जी हाँ, आप घर आएंगे, अगर आपकी पत्नी है जिन्हें आपने वश में करने के लिए इसको किया है या आपकी प्रेमिका है, आपको कॉल करेंगी या फिर आपको उनका व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा और आप समझ जाएंगे कि आपकी प्रेमिका आपके वश में आ चुकी है, तो इस उपाय को कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा आजमाया हुआ एक उपाय है जो कि हमने बहुत सारे भक्तों को बताया और उन्होंने जब इसे किया उन्हें इसका फायदा हुआ है, तो अब आप भी कीजिए और आप भी इसका लाभ उठाइए और मुझे बताइए कि आपको इसका कितना फायदा हुआ। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको कोई और अच्छा सा उपाय। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ,